वीसीडी नंबर 3526, नाइट क्लास 27 अगस्त 1968, क्लैरिफिकेशन डेट 19 फरवरी 2021। रात्रि क्लास चल रहा था 27 अगस्त 1968। द नाइट क्लास डेटेड 27 अगस्त 1968 वॉज गोइंग ऑन। दूसरे बेस के मध्यांत में बात चल रही थी शमशानी बैरागी की। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ शमशानी वैराग्य इन द एंड ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द सेकंड पेज। शमशानी वैराग्य मीनिंग द डिटैचमेंट एक्सपीरियंस्ड ऑन द क्रिमेशन ग्राउंड। शमशान घाट में कोई को तीर अच्छा लगता है। समवन इज हिट बाय एन एरो प्रॉपरली ऑन द क्रिमेशन ग्राउंड। समझाना पड़े दुनिया में क्या रखा है। सबको शरीर छोड़ देने का है तो वैराग आता है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड। एवरीवन हैज टू लीव द बॉडी सो दे हैव डिटैचमेंट। तो ये जो उनको मालूम पड़े ना कि शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जाना है अभी। सो दे शुड कम टू नो दैट नाउ दे हैव टू लीव द बॉडी एंड गो टू हेवन। कैसे जाना होता है स्वर्ग में शरीर छोड़ करके और कब जाना होता है। हाउ डू दे लीव द बॉडी एंड गो टू हेवन एंड व्हेन डू दे गो। शमशान में जाने वालों को अगर समझाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि अगर भगवान आया हुआ है और उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे। इफ यू एक्सप्लेन दोज हु विजिट द क्रिमेशन ग्राउंड दे विल रियलाइज। एक्सप्लेन देम गॉड हैज अराइव्ड एंड इफ यू फॉलो हिज श्रीमत यू विल गो टू हेवन। जाके बैठे यू शुड गो एंड सिट। और ये दो ही चित्र चाहिए, जास्ती चित्रों की कोई दरकार नहीं है। एंड जस्ट दीज टू पिक्चर्स आर रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ मोर पिक्चर्स। म्यूजियम में जावे, यू शुड गो टू द म्यूजियम। तो भी आजकल तो थोड़े बहुत हैं। स्टिल नाउडेज देयर आर फ्यू मोर पिक्चर्स। उन म्यूजियम के चित्रों से भी सर्विस बहुत कर सकते हैं। You can do a lot of service through those pictures in the museum as well. तुमको सर्विस करने के लिए बाप ने बहुत चित्र दिए। The father has given you many pictures to do service. सर्विस करेंगे, सो एक उठानी उठानी जैसे आएंगे ना कोई। When you do the service, some ordinary people will come, won't they? तो करेंगे ये सर्विस। So you will do this service. और ठानी को भी कोई अगर अच्छी तरह से समझावे। इफ समवन एक्सप्लेन्स इवन अ ठानी प्रॉपरली। ठानी मीनिंग द वन हु क्रिमेट्स कॉर्पसेस। तो तुमको तो पैसा पैदा करना है। यू हैव टू क्रिएट मनी। तुम्हारी तो बेहद की कमाई है। यूअर्स इज द अनलिमिटेड अर्निंग। तो ये पढ़ के समझाओ। सो रीड इट आउट एंड एक्सप्लेन इट टू हिम। तुम्हारे पास दाखन अच्छी आएगी। यू विल रिसीव गुड डोनेशन। दाखन मीनिंग दक्षिणा, दैट इज फी पेड टू अ ब्राह्मिन फॉर परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस और अदर रिलीजियस सर्विसेस। और ये तुम्हारी आमदनी बढ़ती जाएगी। एंड योर इनकम विल इंक्रीज ग्रेजुअली। होती जाएगी होती जाएगी। इट विल ग्रो मोर एंड मोर। पर तो सबको मिलेगी सर्विस करने की। देन एवरीवन विल रिसीव इट फॉर डूइंग सर्विस। 27 अगस्त 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। थर्ड पेज ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 27 अगस्त 1968। अभी तो बच्चों को समझाने में डिफिकल्टी लगती है ना। नाउ द चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, डोंट दे? क्योंकि अभी तो ज्ञान पूरा खुला नहीं है ना। इट इज बिकॉज द नॉलेज हैजंट बिकम क्लियर कंप्लीटली, हैज इट? बहुत बहुत रहस्य की बातें खुलनी है तो बहुत सहज हो जाएगा।
मेनी सीक्रेट्स आर येट टू बी रिवील्ड, देन इट विल बिकम वेरी इजी। जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे बहुत समझेंगे। एज यू कंटिन्यू टू वॉक अहेड यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट इन द फ्यूचर। और समझते समझते आखिर में जाकर दो ही अक्षर बचते हैं। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली जस्ट टू वर्ड्स आर लेफ्ट इन द एंड। क्या वॉट? मन मना भव माद्याजी भव, मन मना भव एंड मध्याजी भव। मेरे मन के मन के मन के संकल्पों में समा जा। इट मीन्स मर्ज इन द थॉट्स ऑफ माई माइंड। और जब मेरे मन के संकल्पों में समा जाएगा तो मेरे लिए ही सारी यज्ञ की सेवा करेगा। एंड वेन यू हैव मर्ज इन द थॉट्स ऑफ माई माइंड यू विल डू ऑल द सर्विसेस ऑफ द यज्ञ जस्ट फॉर मी। यज्ञ सेवा के सिवाय जीवन में और कुछ करने का रहेगा ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम द सर्विस ऑफ द यज्ञ यू वॉन्ट हैव एनी थिंग टू डू इन द लाइफ एट ऑल। तो चलो सो कम। उसके आगे दो पांच अक्षर और बच्चों से बताते हैं। आफ्टर दैट ही टेल्स टू टू फाइव वर्ड्स मोर टू द चिल्ड्रन। इस तरह अगर बच्चे यज्ञ की संभाल करते हैं इफ द चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ द यज्ञ इन दिस वे तो ऐसी सेवा करने वाले बच्चे बाप के दिल पर भी चढ़ते हैं। सो द चिल्ड्रन हु डू सच सर्विस सर्टेनली क्लाइम द फादर्स हार्ट। बाप का दिल क्या है? वॉट इज द फादर्स हार्ट? कौन है बाप का दिल? है? हु इज द फादर्स हार्ट? बाप का दिल जिसमें प्रवेश करते हैं पहले पहले वो ही है बाप का दिल। द वन हुम ही एंटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही हिमसेल्फ इज द फादर्स हार्ट। तो दिलवाड़ा बाप हुआ ना? है? सो ही इज द दिलवाड़ा फादर इजंट ही? तो निराकार के दिल पर चढ़ते हैं। इफ यू क्लाइम द हार्ट ऑफ द इनकॉर्पोरियल वन तो कहेंगे ये दोनों के दिल पर चढ़ते हैं। सो इट विल बी सेड दैट यू क्लाइम द हार्ट ऑफ बोथ। निराकार का दिल आ जाता है मुकर्रर था के ऊपर। द इनकॉर्पोरियल वन फॉल्स इन लव विद द परमानेंट चैरियट रथधारी के ऊपर। ऑन द वन हु बेयर्स द चैरियट। तो बाप कहते हैं मैं भारत पर फिदा होकर आया हूं। सो द फादर सेज आई हैव कम आफ्टर डिवोटिंग माई सेल्फ टू भारत। तो बहुत ये यदा इनके पास रिगार्ड है। सो ही हैज अ लॉट ऑफ रिगार्ड। रिगार्ड किसका होता है, साकार का या निराकार का? हु इज रिगार्डेड द कॉर्पोरियल वन और द इनकॉर्पोरियल वन? स्टूडेंट रिप्लाइड द कॉर्पोरियल वन। साकार का रिगार्ड होता है निराकार को तो रिगार्ड और डिसरिगार्ड की बात ही नहीं। द कॉर्पोरियल वन इज रिगार्डेड, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिगार्ड एंड डिसरिगार्ड फॉर द इनकॉर्पोरियल वन एट ऑल। हाँ ये है कि इस यज्ञ से किसको भी दुख न मिले ऐसी यज्ञ सेवा करनी है। यस इट इज सर्टेन दैट यू हैव टू परफॉर्म द सर्विस ऑफ द यज्ञ इन सच अ वे दैट नो वन एक्सपीरियंस सॉरो थ्रू दिस यज्ञ। देवान में आने से बजाय सेवा करने के और ही दुख दे देते। बिकॉज ऑफ बिकमिंग बॉडी कॉन्शियस इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्विस यू गिव सॉरो ऑल द मोर। देवान में भर करके ज्ञान सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। इफ यू नरेट नॉलेज बाय बिकमिंग फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस नथिंग विल सिट इन देयर इंटेलेक्ट। आत्माभिमानी बनकर के समझाएंगे तो बुद्धि में बैठेगा। इफ यू बिकम सोल कॉन्शियस एंड एक्सप्लेन द नॉलेज विल सिट इन देयर इंटेलेक्ट। देह अहंकार बहुत बुरी चीज है। बॉडीली ईगो इज वेरी बैड। बहुत दुखदाई है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ सॉरो। और बाप तो सुखदाता है ना? एंड द फादर इज सर्टेनली द गिवर ऑफ हैप्पीनेस इजंट ही? कौन सा बाप? विच फादर? है जो निराकारी बाप। हाँ चाहे जो भी ब्रह्मा के तन में आवेंगे तो सुखदाई पार्ट बजावेंगे कि दुखदाई पार्ट बजावेंगे?
सुखदाई ही पाठ बजाते हैं। इन विच एवर बॉडी ऑफ ब्रह्मा द इनकॉर्पोरियल फादर कम्स विल ही प्ले द पार्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस और द पार्ट ऑफ गिविंग सॉरो? ही जस्ट प्लेज द पार्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस। कोई भी किसी को सुख ऐसा न मिले जो थोड़ा भी दुखी हो जाए। नो वन शुड गेट सच हैप्पीनेस दैट ही बिकम सैड इवन अ लिटिल। तो ऐसी रचना रचनी चाहिए बच्चों को सो द चिल्ड्रन शुड क्रिएट सच अ क्रिएशन कि दुख सुख द्वंद्वों से परे हो जाए। दैट दे गो बियॉन्ड द कॉन्ट्रास्ट लाइक हैप्पीनेस एंड सॉरो। लाचारी दिल की आस न पूरी हो। इफ द डिजायर्स ऑफ द हार्ट आरंट फुलफिल्ड लाचारी है। इट इज योर हेल्पलेसनेस। सबकी दिल की आशाएं पूर्वा कर दे। द डिजायर्स ऑफ द हार्ट ऑफ एवरी वन शुड बी सैक्रिफाइस्ड। परंतु दिल में आशाएं तो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बट देर आर गुड एज वेल एज बैड डिजायर्स इन द इंटेलेक्ट। तो बुरी आशाएं भी वो पूरी करने के लिए यहाँ नहीं होना चाहिए। सो यू शुड सर्टेनली नॉट फुलफिल द बैड डिजायर्स हियर। कोई विकार की आशा हो तो कोई पूरी थोड़ी ही करनी है। इफ समवन हैज द डिजायर टू इंडल्ज इन वाइस यू डोंट हैव टू फुलफिल इट। इसलिए भी उसमें भी है खास ब्राह्मणी जो होती है ना। दिस इज वाई देर इज एस्पेशली द ब्राह्मणी दैट इज फीमेल इन चार्ज देर इजंट देर। तो उस बड़ी ब्राह्मणी को घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। सो दैट सीनियर ब्राह्मणी शुड आस्क अदर सिस्टर्स अगेन एंड अगेन कि भाई यहाँ सब कुछ मिल सकता है। यू कैन गेट एवरीथिंग हियर। भगवान का घर है। इट इज द हाउस ऑफ गॉड। तो भगवान के घर में क्या कमी होगी? सो देर विल बी शॉर्टेज ऑफ वॉट इन द हाउस ऑफ गॉड। तो लज्जा नहीं करो। सो डोंट फील शाय। बोल सकते हो। यू कैन आस्क फॉर इट। अच्छा अच्छा सिकिल दे। सिकिल दे किन्हें कहते हैं? सिकिल दे। हु आर कॉल्ड सिकिल दे? सिकिल दे उन्हें कहा जाता है जो बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे होते हैं माँ बाप से और बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। द चिल्ड्रन हु हैव सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड मीट देम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो उनको सिकील दे कहते हैं। सिख सिख से मिलते, बड़े प्यार से मिलते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिकील दे। दे मीट ईच अदर अफेक्शनेटली विथ ग्रेट लव। वो दुनिया भी देहधारी बच्चों की बात नहीं है। इट इजंट अबाउट द वर्ल्डली चिल्ड्रन हु आर बॉडीली बीइंग्स। रूहानी बच्चों की बात है यहाँ। इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हियर। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की और दादा की। फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर एंड दादा टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। दादा के लिए रूहानी क्यों नहीं लगाया? व्हाई डिडंट ही से स्पिरिचुअल फॉर दादा? है दादा तो पुरुषार्थी है ना। दादा इज पुरुषार्थी इजंट ही। 68 में क्या कहेंगे? पुरुषार्थी ही कहेंगे। What will he be called in 1968? He will certainly be called Purusharthi. अब वो चाहे रूहानी दादा हो, चाहे जिस्मानी दादा हो। Now, whether he is the spiritual dada or physical dada. मुख्य लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण आर द मेन। तो दादा माना पुरुषार्थी। So, दादा मीन्स पुरुषार्थी। बाप समान कहेंगे? तो बाप समान तो नहीं कहेंगे। विल ही बी सेड टू बी इक्वल टू द फादर? ही सर्टेनली वोंट बी कॉल्ड इक्वल टू द फादर। तो दादा नहीं करते हैं नमस्ते। सो दादा डजंट से नमस्ते। कौन करते हैं? नमन कौन होते हैं? झुकते कौन है? हु सेज इट? हु बोज डाउन? हु बेंड्स? है रूहानी बाप बच्चों के सामने झुक करके बात करते। द स्पिरिचुअल फादर बेंड्स बिफोर द चिल्ड्रन एंड टॉक्स टू देम।
रूहानी बाप का और दादा का दिल जान से, सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। सो द स्पिरिचुअल फादर एंड दादाज रिमेम्बरेंस लव एंड गुड नाइट फ्रॉम द हार्ट एंड द सोल विथ अफेक्शन एंड लव। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। नमस्ते फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। जिस्मानी बच्चों के प्रति नमस्ते नहीं करते हैं, झुकते हैं बाप। He doesn't say namaste to the physical children. Does the father bow before them? रूहानी बाप भी जिस्मानी बच्चों के सामने नहीं झुकते, क्या करते हैं? Yes, even the spiritual father doesn't bow before the physical children. What does he do? विकराल रूप धारण कर लेते हैं क्या? Does he take on a fearsome form? Yes. रुद्र नाम ही गाया हुआ है। The very name Rudra is famous. ओम शांति। ओम शांति।